हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जो है, आज हम बात करेंगे ईडीडी के बारे में, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बारे में। तो इसका निकालने का एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं हम नेगल्स फार्मूला। वो फार्मूला है LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ये जो है नेगल्स फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग जो है हम ईडीडी निकालते हैं। अगर किसी की LMP जो है, मान लो 4/1/21 है, तो इसमें क्या होगा, जो ये 1 है यानी ये क्या है, मंथ है, तो इस मंथ में हम क्या करेंगे, 9 मंथ ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10। और जो ये डेज है, तो यहाँ पे ये डेज दिया है फार्मूले में, तो डेज में जो है हम 7 डेज प्लस कर देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11। तो LMP हमें पता चल गया था, यानी LMP क्या थी, 4/1/21, तो उसमें हम क्या किए, 9 मंथ ऐड कर दिए और 7 डेज भी ऐड कर दिए, तो क्या आया हमारा, 11/10/21। ये जो है आ गया ईडीडी, यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और हम दूसरे तरीके से भी एक देखेंगे ईडीडी कैसे निकालते हैं। इसमें क्या फार्मूला है, एड 7 डेज एंड लेस 3 मंथ, और उसके बाद में एड 1 ईयर। अब जिसे किसी की LMP जो है वो है 5/6/21, तो इसमें क्या है कि ये क्या है, 5, यानी ये दिन है, पांचवा दिन है छठवें महीने का, तो दिन में जो है हम 7 दिन जो है जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 12। और ये जो महीना है उसमें से हमें 3 महीना कम करना है, तो ये छठवा महीना है, छठवें महीने में से 3 महीना अगर हम कम करेंगे तो आएगा 3 बचेगा। और ये जो ईयर है यानी 21 है, इसमें जो है हम 1 ईयर ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 22। तो क्या आया ईडीडी, 12/3/2022, ये आई ईडीडी। अगर किसी की मतलब LMP जो है 5/6/21 है, तो उसकी ईडीडी 12/3/2022 होगी। सो आई होप कि आपको ईडीडी निकालना आ गया होगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।